अवेकनिंग असेंशन जर्नी एंड रीबर्थ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। अवेकनिंग असेंशन जर्नी से रिलेटेड इस चैनल पर मैं वीडियो शेयर करती हूँ, उन्हीं लोगों तक पहुँचते हैं जो लोग इस प्रोसेस में हैं, और उनकी मदद के लिए ही ये वीडियोज़ मैं जो है बनाती हूँ, ताकि आपको भी कई चीज़ें समझ आएँ। जिन चीज़ों ने मुझे मदद करी है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ शेयर करती हूँ, अपने अनुभव शेयर करती हूँ, और वो शेयर करने का रूट रीज़न ही यही है कि आपको आपकी जर्नी में मदद मिले और आप भी अपने अनुभव शेयर करें। आई नो बहुत सारे लोग डिज़ायर के लेवल पे स्टक हैं, बहुत से लोग जो है गिल्ट और शेम में स्टक हैं, बहुत से लोग अपने ईगो में, ईगो की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट ये वीडियो पहुँच उन्हीं तक रहे हैं जो इस प्रोसेस में हैं, और इसीलिए पहुँच रहे हैं ताकि जो है उनको समझ आए, उनको ये प्रोसेस समझ आए और वो आगे बढ़ पाए, वो असेंड हो पाए। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी रीबर्थ के बारे में। अब यहाँ पे जो ये रीबर्थ है, जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उसमें एक ही जीवन में ऐसा लगा, एक ही ज़िंदगी में ऐसा लगा कि फिर से जो है ना, मतलब जीवन तो वही है, लेकिन ऐसा लगा जो भी ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम पीरियड रहा, बहुत ही कष्ट का जो टाइम पीरियड रहा जहाँ बदलाव आए, उसको पार करने के बाद अब जो जीवन चल रहा है पिछले एक दो साल से, ऐसा लगता है कि जैसे ये ना एक नया जीवन हुआ है मेरा, एक नया जीवन में मुझे मिला है, जो कुछ साल पहले या 30 साल तक जो मैं थी वो कुछ और था, और अब जो मैं जी रही हूँ पिछले एक दो सालों से, ये कुछ और है। तो पीछे का जो जीवन रहा और अब जो ये नया जीवन मैं अनुभव कर रही हूँ, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशनल फेज रहा 3 साल का, जो बहुत ज़्यादा कष्ट का था, बहुत ज़्यादा कष्ट का था। इतना, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि इतना ज़्यादा कष्ट पहले भी थे जीवन में, जीवन में शुरू से ही थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, लेकिन मैं इतनी कैपेबल थी कि हर प्रॉब्लम से मैं बाहर अपने आप को निकाल सकती थी। और मुझे इस बात पे थोड़ा अपने आप को सोच के अच्छा भी लगता था कि बड़ी टफ सिचुएशंस रही, लेकिन उन टफ सिचुएशंस में मैंने हर बार अपने आप को सक्सेसफुली, बिना किसी तरीके का नुकसान हुए, उन चीज़ों से मैं बाहर आई हूँ। तो लाइफ टफ थी, लेकिन जो 3 साल बीच में रहे, वो जो ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम पीरियड था, उसमें तो मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे सामने घूमने लगी थी। सारे इवेंट, सारी बैड इवेंट, सारे बहुत सारी चीज़ें मेरी, मतलब एकदम सामने आने लगी थी और वो मेरे ऊपर हावी हो रही थी। बट जो भी वो ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम पीरियड रहा, जैसा भी रहा, जितने भी कष्ट में रहा, लेकिन जितने भी तकलीफ़ें रहीं इस सब चीज़ों के दौरान, जो भी एफर्ट्स डाले या जो भी हायर एनर्जीज की तरफ से, परमात्मा की तरफ से हेल्प मिली, उन सब में, उन सब चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को साफ करके, बहुत सारी चीज़ों को क्लीन करके जो मैं बाहर आई, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक शुद्धिकरण हुआ है, जैसे कुछ सफाई हुई है, जैसे कोई गंगा नदी में डुबकी मार के एकदम पवित्र होके जैसे बाहर आ जाता है ना, ऐसा सा फील आया है मुझे। और बहुत कुछ धुल गया, बहुत कुछ ख़त्म हो गया, और अब जो ये नई शुरुआत हुई है पिछले 2-1 सालों से, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे ना एक ही लाइफ में दोबारा जन्म मिला है, एक फ्रेश तरीके से, जैसे परमात्मा ईश्वर कह रहे हैं कि फिर से शुरुआत करो, अब फ्रेश बिगनिंग करो। और सच में मेरे को ऐसा लगता है कि पहले वाला ख़त्म हो गया, जो पहले वाला सेल्फ था, जो मेरा तरीके थे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी थी, बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी थी, बहुत सारी चीज़ें भगवान ने तो ख़त्म ही कर दी और बोला कि अब एक फ्रेश बिगनिंग करो नए तरीके से अपने। पहले मानो मुझे, मतलब ये जो जीवन रूपी, मतलब लाइफ जो है ना, ये जो लाइफ भी एक गेम ही है, इस गेम के ना रूल्स ही नहीं पता थे, कैसे लाइफ को जीना चाहिए, क्या तरीके होने चाहिए। अब जैसे कई चीज़ें समझ आई हैं, इस गेम के रूल समझ आए हैं, और अब ऐसा भी मेरे को आता है कि जैसे कोई मुझे समझा रहा है कि पहले तुम्हें लाइफ
मतलब इस लाइफ रूपी गेम के जैसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता थे, अज्ञानता में बड़ी लाइफ को जिया है, पर एक इनोसेंस भी थी, क्योंकि वो एक इनोसेंस थी इसलिए मदद मिली। लेकिन अब तुम्हें बहुत कुछ मालूम है, अब तुम्हें बहुत कुछ मालूम है, अब अगर गलती करी तो माफ़ी नहीं मिलेगी, ये भी मुझे गाइडेंस आती है। जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम पीरियड स्टार्ट होने वाला था ना, उससे 5-6 साल पहले से मेरे को इंट्यूशंस आ रही थी कि 30 साल में ना कुछ अलग होगा, 30 साल की जब मैं होंगी वहाँ से कुछ अलग होगा। और ये इंट्यूशंस 5-6 साल पहले से मेरे को आ रही थी बड़ी स्ट्रांग, और सचमुच में वही हुआ। 30 से 33 का टाइम पीरियड इतना टफ, बदलाव का ये जो समय था इसमें इतना कुछ सरफेस पर आया, लोगों के थ्रू मुझे ट्रिगर किया गया, लोगों के थ्रू मेरी डार्कनेस को मुझे दिखाया गया, और इतना कुछ सामने घूमने लगा कि समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन इसकी इंट्यूशन कि कुछ 30 साल में कुछ अलग होगा, कुछ उस चीज़ की घबराहट मुझे 5-6 साल पहले से हो रही थी। मुझे एक अजीब सा डर सा फील होता था कि कुछ 30 साल में कुछ अलग होना है, और वो हुआ। और सेम अभी भी मुझे ये फीलिंग आती है, मतलब कोई मेरे को बोल थोड़ी ना रहा है कान में आके या मुझे बता नहीं रहा है, लेकिन अभी भी मेरे को ये गाइडेंस आती है कि पहले अज्ञानता थी, बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं थी, बट एक इनोसेंस था, एक मासूमियत थी, एक मासूमियत में बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, समझ नहीं थी, इसलिए जब एक टफ टाइम आया तो परमात्मा ने बहुत मदद भेजी, हायर एनर्जीज ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन अब तुम्हें इस गेम के, अब जब तुम्हारा बहुत सा शुद्धिकरण हो चुका है, जब तुम इस जीवन को जानती हो, जब इस जीवन के बहुत से रूल रेगुलेशंस को तुम जानती हो कि जीवन को किस तरीके से जीना है, क्या गलत है क्या सही है, और अब अगर तुमने गलती करी तो इस बार माफ़ी नहीं मिलेगी और ना ही मदद मिलेगी, ऐसी मुझे गाइडेंस आती है। तो सीधी सिंपल बात है कि ये जो एक नया जीवन इसी जीवन में मुझे मिला जीने के लिए, यहाँ पर अब जो है मुझे इस गेम के जो है, इस जीवन रूपी गेम के जो है, अब रूल रेगुलेशंस पता है क्या सही है, पता है क्या गलत है, पता है क्या माया है, पता है किस तरीके से आगे बढ़ना है, पता है किस तरीके से यूनिवर्स जो है हमें कई चीज़ों के थ्रू किस तरीके से हमें समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ अब पता है, पहले नहीं पता था। तो रीबर्थ अवेकनिंग असेंशन स्पिरिचुअल जर्नी में बेसिकली एक ही जीवन में आपका फिर से जन्म होगा, और ये जो जन्म होगा यहाँ इससे पहले आपको बड़े टफ टाइम से गुजरना पड़ेगा, बड़ा तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उन तकलीफ़ों से, उन कष्टों से सक्सेसफुली निकल गए, अच्छी तपस्या करके, अच्छे अपने ऊपर काम करके, तो आगे का जीवन बहुत सुंदर भी होगा, बहुत हाई वाइब्रेशनल भी होगा, आप कुछ ऐसी लाइट आप बनोगे जहाँ से कि औरों को भी रोशनी मिलेगी। ठीक है, तो अपने पर्पस से मैं कनेक्टेड हूँ, अपने काम को मैं कर रही हूँ, और अच्छा भी लगता है मेरे को, सेल्फ सेटिस्फैक्शन बड़ी फील होती है। लेकिन जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं हो गई है, आज भी माया भटकाने आती है, आज भी कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं, लेकिन स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस हैं, जो स्पिरिचुअल बेस है, क्योंकि वो बना हुआ है, उसकी वजह से जो भी माया आती है, जो भी ट्रिगर मोमेंट्स आते हैं, उनको मैं हैंडल कर पाती हूँ, उनको मैं रिलीज़ कर पाती हूँ, जो कि मुझे पहले तो आता ही नहीं था ये सब कुछ। जब मेरी जो इससे पहले जो एक टाइम पीरियड चल रहा था, मतलब इस रीबर्थ प्रोसेस से पहले जो मेरा जीवन चल रहा था, वहाँ पे जो मेरी महादशा चल रही थी, आपको पता है मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, वहाँ पे जो मेरी महादशा चल रही थी पिछले 18 सालों से, वो पाइसीस में थी, मीन राशि में थी। मीन राशि जो है 12 नंबर की राशि, ये मोक्ष की राशि है, ये डेप्थ में जाने की राशि है, डूब जाने की राशि है, ये राशि चक्र की आखिरी राशि है, अंतिम राशि है, किसी चीज़ के समाप्त होने को रिप्रेजेंट करती है, लॉसेस की राशि है, ये अध्यात्म की राशि है। तो इसी की दशा चल रही थी मेरी 18 सालों से, और इस पूरे जो भी ये पाइसिस मीन राशि की जो दशा रही पूरी, इसमें बहुत सारे ब्रियड एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत सारे
लोगों को मैंने एक एक करके खोया। बहुत मतलब दर्द दिल में खट्टे हुए, वाटर साइन था तो बहुत इमोशनल भी थी, और कई बार मैं बैठे बैठे ही कई चीज़ों में इतना डूब जाती थी जैसे कि पता नहीं किसी समुद्र की बहुत गहराई में मैं पहुंच गई हूँ, और फिर एकदम से उस चीज़ से बाहर आती थी तो कई चीज़ें ना मेरे को समझ आने लगती थी जो मुझे पहले समझ नहीं आ रही होती थी। स्पेशली इसके लिए मुझे मेडिटेशन नहीं करना पड़ता था। अगर मैं एक जगह पर बैठी हूँ कुछ सोच रही हूँ तो मैं कई बार ऐसे लॉस्ट हो जाती थी और मुझे ऐसा लगता था मैं किसी समुद्र के अंदर चली गई हूँ, बहुत अंदर, और फिर एकदम से मैं बाहर आती थी और फिर मुझे लगता था ये क्या। लेकिन अच्छी चीज़ ये होती थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो पहले समझ नहीं आ रही होती थी वो समझ आने लगती थी। और ट्रैवल करते वक्त भी ऐसे ही मुझे होता है कि जो चीज़ें मेरे को डिकोड नहीं हो पा रही है, पता नहीं ट्रैवलिंग के दौरान वो सारी चीज़ें मुझे समझ आने लगती हैं, सारे जो उलझी हुई गुथियाँ हैं वो सुलझने लगती हैं। मतलब जैसे कुछ समझ आ रहा है अचानक से, सब कुछ बंधा हुआ था वो खुल रहा है, ऐसा होने लगता है। पाइसीस की दशा चल रही थी और ये अंतिम राशि है, अध्यात्म की राशि है, सबसे आखिरी राशि है। तो बहुत कुछ खोया इस पूरे 18 सालों में, बहुत कुछ ख़त्म हुआ, और आखिरी में तो ये जर्नी बहुत टफ हो गई। क्योंकि आखिरी में ये जर्नी इसलिए इतनी टफ हो गई क्योंकि जो आखिरी के 1.5 साल थे उसमें पहले ही ये वाटर साइन राशि है, जो अंतर दशा में जो प्लैनेट आया वो भी वाटर साइन में था, तो मैं इतनी महा इमोशनल हो गई एंड में कि वो इमोशंस मुझसे हैंडल ही नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि महादशा भी वाटर साइन में और अंतर दशा भी वाटर साइन में, और इतने ज़्यादा इमोशंस ऊपर आ गए कि बस बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। लेकिन मुझे इस पूरे दौरान बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज का सपोर्ट रहा, आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा उस पूरे दौर में। आप लोगों की तरफ से जो पॉजिटिविटी, जो प्यार की एनर्जी, जो सपोर्ट मुझे मिला, उस चीज़ ने भी मुझे बहुत संभाल के रखा, मुझे खोने नहीं दिया, मुझे लॉस्ट नहीं होने दिया, मुझे डिप्रेस नहीं होने दिया। और अब जब ये महादशा समाप्त हुई और उसके बाद अब जो एक नई महादशा मेरी स्टार्ट हुई है वो एरीज में है। अब एरीज जो है बिगनिंग की राशि है, शुरुआत करने की राशि है, मेष राशि जो पहली राशि होती है राशि चक्र की, अब वो स्टार्ट हुई है। तो 12 नंबर अंतिम समाप्ति, अंत हुआ, और 1 नंबर की महादशा अब स्टार्ट हुई है जो अगले 16 साल रहेगी। पहले एक ऐसी राशि चल रही थी जो समाप्ति को रिप्रेजेंट करती है और अब एक ऐसी राशि चल रही है जो बिगनिंग को रिप्रेजेंट करती है। मेष राशि एरीज जो है वो बिगनिंग को रिप्रेजेंट करती है, ये सेल्फ को रिप्रेजेंट करती है, ये अपने आप को स्टैब्लिश करने को रिप्रेजेंट करती है, ये सेल्फ से कनेक्ट करने को रिप्रेजेंट करती है, अपने आप को जानना, अपने आप को स्टैब्लिश करना, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, अपने आप से कनेक्ट करना, अपने आप को पहचानना, स्टार्ट करना कुछ, इसको रिप्रेजेंट करती है। तो देखो पहले मैं एक ऐसे चीज़ से गुजरी जहाँ सब कुछ ख़त्म हुआ, बहुत कुछ ख़त्म हुआ, अंदर भी जो गड़बड़ था वो भी भगवान ने ख़त्म किया, और अब मैं एक ऐसे महादशा में जो अब मेरी स्टार्ट हुई है वो एक ऐसी राशि के साथ है जो स्टार्ट करती है, जो बिगिन करती है, बिगनिंग करती है। तो पहले अंत हुआ और अब आरंभ हो रहा है। तो बट ये आसान नहीं था, बीच में जो ये ट्रांजिशनल ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पीरियड रहा ये इतना टफ था कि कई लोग, तो मैं कह रही हूँ कि अगर इतना कष्ट किसी के ऊपर आता या तो वो डिप्रेस हो जाता है, तो पागल हो जाता है, तो मर जाता। लेकिन इस पूरे दौरान क्योंकि आप लोगों के साथ जो सपोर्ट, जो प्यार मुझे मिला, जो मोटिवेशन मुझे मिली, उस चीज़ ने मुझे बहुत सहारा दिया, और प्लस हायर एनर्जीज़ का जो सपोर्ट रहा, देव्य एनर्जीज़ का, हायर एनर्जीज़ एंजल्स का जो सपोर्ट रहा, उसने भी मुझे बहुत बचा के रखा। तो अब जो है, अब जो चल रहा है वो तो अब एक बिगनिंग है, एक स्टार्टिंग है, और मैं पीछे पलट के देखती हूँ तो ऐसा लगता है बहुत कुछ ख़त्म हो गया और वो ख़त्म होना ज़रूरी था। मेरे नई जिंदगी के लिए वो सब चीज़ें ख़त्म होना, मेरे बिलीव्स, रॉन्ग बिलीव्स, इल्यूजनरी बिलीव्स, बहुत सारा कार्मिक अकाउंट, बहुत सारे चीज़ें का ख़त्म होना ज़रूरी था, जीवन से भी और अंदर भी जो बहुत कुछ बेमतलब की गलत चीज़ें, धारणाएं या विश्वास या जो बिलीव सिस्टम्स बना रखे थे, तो उनका ख़त्म होना ज़रूरी था। क्योंकि वो सब ख़त्म हुए इसीलिए मैं आज एक पीस को अनुभव कर पा रही हूँ, क्योंकि वो सब ख़त्म हुए तभी मैं, अब कोई बेचैनी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, ज़िंदगी एक सरल, स्मूथ, पीसफुल तरीके से चल रही है,
और यही तो मैं चाहती थी, यही था। लोग सोचते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पर्सन मुझे मिल जाए, ये पोजीशन मुझे मिल जाए, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। नहीं, असलियत में आप सिर्फ जो है किसी पर्सन के थ्रू सुकून पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन या किसी पोजीशन को पाके सुकून पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सुकून वहाँ नहीं है। सुकून आपके अंदर है और आप हर पल उसे महसूस कर सकते हो। सिर्फ आपको जो है ये सारी नेगेटिविटीज़, ये फॉल्स बिलीव, ये इल्यूजन, डिल्यूजन्स, ये सब इनको हटाना है अपने अंदर से। और ये हटे मेरी लाइफ से तो, और 5 सालों से जो है इस चैनल पर मैं काम कर रही हूँ, मई में मुझे 5 साल हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, रीबर्थ प्रोसेस को अगर मैं ढंग से एक्सप्लेन करूँ अपने, तो मुझे लगता है जैसे हम छोटे में स्कूल में थे, ब्लैक बोर्ड्स होते थे ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर एक ब्लैक बोर्ड था, बहुत बड़ा सा, बहुत बड़ा एक ब्लैक बोर्ड था मेरे अंदर ही, और उसमें बहुत सारा ना चौक से बहुत कुछ लिखा हुआ था, मानो वो पूरा ब्लैक बोर्ड भर गया हो, पूरा भर गया हो। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी सुंदर सुंदर राइटिंग्स में, लेकिन कुछ बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा, जैसे कई बार हम ब्लैक बोर्ड्स में स्कूल में कुछ भी बना देते थे, कुछ भी लिख देते थे, ऐसा बहुत सारा अनशंट भरा पड़ा था वो ब्लैक बोर्ड। लेकिन आप ऐसा फील होता है कि जैसे वो ब्लैक बोर्ड बहुत सारा साफ हो चुका है, थोड़ी सी चीज़ें हैं उसमें अभी भी लिखी हुई हैं, थोड़ी सी चीज़ें हैं सुंदर सुंदर राइटिंग में, बट बहुत सारा बहुत सारी जगह से वो ब्लैक बोर्ड साफ़ हो चुका है। और जिस डस्टर से मैंने वो ब्लैक बोर्ड को साफ़ किया, वो डस्टर कुछ और नहीं, वो स्पिरिचुअल, ये जो टूल्स थे या जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी, इन्होंने ही मेरे अंदर के उस ब्लैक बोर्ड को, जिसमें बहुत सारा अनशंट, पता नहीं क्या क्या लिखा पड़ा था और पूरा भरा हुआ था वो ब्लैक बोर्ड, ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जो स्पिरिचुअल रूटीन्स हैं, या जो जो भी चीज़ें मुझे मेरी सोल से कनेक्ट कर पाई, जो मुझे मेरे अंदर से जोड़ पाई, जिनकी वजह से मैं अपने अंदर के इस ब्लैक बोर्ड को देख पाई, और मैंने देखा कि इतना सारा कुछ भरा पड़ा है इस ब्लैक बोर्ड में, कहीं पे कुछ स्पेस नहीं है कि मैं कुछ नया लिख सकूं, पूरा भरा पड़ा है। कहीं कहीं पे सुंदर सुंदर राइटिंग भी है, लेकिन कहीं कहीं पे तो पूरा गंद मचा पड़ा है। तो ये जो स्पिरिचुअल टूल्स थे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी, इन्होंने एक डस्टर की तरह काम किया है। बहुत सारी जो गंदगी थी उस ब्लैक बोर्ड पे, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा था, उसको सबको साफ़ कर दिया, पूरा वो ब्लैक बोर्ड साफ़ कर दिया। कहीं कहीं पे ना कुछ ऐसी भी चीज़ें थी, जैसे परमानेंट मार्कर नहीं होता, ऐसे परमानेंट, मानो किसी ने परमानेंट चौक से कुछ चीज़ें लिख दी हों, और मानो कि ये जो भी ये स्पिरिचुअल टेक्निक्स थी जिनके थ्रू ये ब्लैक बोर्ड साफ़ हो पाया मेरे अंदर का, मानो कि उस डस्टर को कई बार उनके ऊपर रब करना पड़ा है ताकि ये साफ़ हो, ये साफ़ हो, ये साफ़ हो। पर आज मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर का ये जो ब्लैक बोर्ड था जिस पे बहुत कुछ लिखा हुआ था, ये बहुत सारा साफ़ हो चुका है। मतलब जैसे 75% इसको क्लीन कर दिया, बस थोड़ा सा ही लिखा हुआ है अब इसमें। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी जो अनशन चीज़ें थी, जो स्ट्रेस थे, जो रॉन्ग बिलीव्स थे, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि जिसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, वो था रिलेशनशिप और डिज़ायर को लेके, जो मेरे इल्यूजनरी बिलीव्स थे उसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगा। मानो कि जैसे उसको साफ़ करने के लिए 8-8, 9-9 बार डस्टर को मेरे को घुमाना पड़ा, लेकिन ये साफ़ हो चुके हैं। और मेरे अंदर का वो ब्लैक बोर्ड जो है जिस पे इतनी सारी चीज़ें लिखी पड़ी थी, वो साफ़ हो चुके हैं, बस थोड़ा सा ही रह गया है। अब वो थोड़ा सा इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो ज़रूरी है, वो अच्छी चीज़ें थी, उनको डिलीट नहीं करना है, उनको नहीं साफ़ करना, इसलिए मैंने वहाँ छोड़ा हुआ है। अब होता क्या है, अब पता क्या हो रहा है मेरे साथ, पहले मैं किसी टेम्पल या होली प्लेसेस में जाती थी ना, वहाँ जाके मुझे बड़ी वाइब्रेशन होने लगती थी, मैं किसी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं एकदम से रोने लगती थी, या कहीं कोई लड़ रहा है तो मैं और एग्रेसिव हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, मैं किसी होली प्लेसेस में जाती हूँ, वहाँ मैं लोगों को देखती हूँ, कोई सर घुमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, मैं वहाँ नॉर्मल ही रहती हूँ। मैं किसी स्पिरिचुअल आश्रम में जा रही हूँ, वहाँ मैं लोगों को देख रही हूँ, वो मेडिटेशन करते वक्त रो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है बेहोश हो जाएंगे, मेरे को ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं नॉर्मल हूँ। ठीक है, कोई लड़ रहा है
तेज तेज, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं भी लड़ने लग जाऊँ, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले ऐसा होता था, पहले होता था मैं किसी होली प्लेस पे जा रही हूँ, मैं इमोशनल हो जाती थी, मेरे को वाइब्रेशंस होती थी, या कोई लड़ रहा है तो मैं और उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव होकर लड़ने लगती थी। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आज भी मेरे अंदर उतना ही मतलब आज भी मुझे ऐसे होली प्लेसेस पर जाना, बड़े बड़े मंदिरों में जाना बहुत पसंद है, लेकिन आज भी हाथ जोड़ना, प्रेयर्स करना अच्छा लगता है, लेकिन जो है वो पहले जैसा अजीबोगरीब नहीं हो रहा है। या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि कुछ अजीबोगरीब ही कुछ होने लगा है, वैसा भी नहीं हो रहा है। या हाइपर माहौल में किसी को हाइपर बिहेव करते हुए देख रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि खुद भी वैसी हो गई हूँ, या अपने अंदर का कुछ सप्रेस्ड कुछ एंगर सरफेस पर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो बड़ा सामान्य सा हो गया है सब कुछ, और ये सामान्य इसलिए हो पाया क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल टूल्स थे, जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स थी, इसने जो डस्टर बन के काम किया है ना मेरे अंदर के, जो कूड़े को साफ़ किया है, जो गंदगी को साफ़ किया है, मेरे मन रूपी ब्लैक बोर्ड को जो साफ़ किया है, उसकी वजह से ये हुआ है। बट इसे साफ़ करने में सबसे पहले तो इसको देखने के लिए कि मेरे अंदर इस तरीके की चीज़ें हैं, इसके लिए मुझे जो है बड़ा अपने अंदर से जुड़ना पड़ा। कई लोग ध्यान करते हैं, ध्यान में कर नहीं पाती थी, लेकिन जो मैं वीडियोस बनाती थी, जब मैं किसी कॉन्सेप्ट को लिखती थी, जब मैं किसी चीज़ के बारे में विचार करती थी, तो कई बार मैं इतना डूब जाती थी अंदर कि मैं अपने अंदर से जुड़ जाती थी, और मुझे अपने बारे में जो गलत चीज़ें हैं वो समझ आने लगती थी कि यहाँ पर गड़बड़ है, ये क्या है, ये तो नहीं होना चाहिए। और फिर भगवान ने जब मुझे अच्छे से अपने अंदर की सारी गलत चीज़ें दिखने लगी, या जो चीज़ें मेरे लिए सही नहीं हैं पर फिर भी मैंने अपने जीवन का पार्ट उन्हें बना रखा है, अपने हैबिट्स में, अपने बिहेवियर में उन चीज़ों को रखा हुआ है, जब वो मुझे दिखने लगा कि ये सही नहीं है, साफ साफ दिखने लगा, तो भगवान ने अपने आप से स्पिरिचुअल टेक्निक्स, ऐसी चीज़ें भी मेरे तक पहुँचा दी जिससे कि अब मैं इनको डिलीट कर सकती हूँ, उन्हें हटा सकती हूँ। तो मैंने वो हर चीज़ जब हटानी शुरू करी तो देखा ज़िंदगी से एंग्जाइटी ख़त्म हो गई, स्ट्रेस ख़त्म हो गया, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ एक बहुत सुपर कनेक्टिविटी हर वक्त फील होती है। जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ उनके प्रति मेरे को अपना कर्तव्य, अपना कर्म बहुत अच्छे तरीके से फील होता है। मेरे प्रेजेंट कर्मा को कोई एक्सटर्नल चीज़ डिस्टर्ब ना करे, उसको अगर कुछ डिस्टर्ब कर रहा है तो अपनी स्पिरिचुअल रूटीन, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू कैसे उन चीज़ों को हटाना है, अपने मन के ऊपर उन चीज़ों को हावी नहीं होने दे रहा है, या मन भी कई बार बड़ी तेज भटकता है, भागता है, उस मन को वापस से कैसे जगह पर लेके आना है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मुझे समझ आ चुकी हैं। तो अब लाइफ जो है बड़े सरल तरीके से और बड़े बैलेंस तरीके से कट रही है, नया जीवन है ये डेफिनेटली, लेकिन हाँ ये जो सरल सिंपल नया जीवन मिला है इसमें मुझे बस एक जो दो तीन चीज़ों की गाइडेंस आती है, उसमें पहली चीज़ की आती है कि अब सेल्फ के ऊपर ज़्यादा काम करो, खुद को स्टैब्लिश करो, खुद की हेल्थ का ध्यान रखो, एक तो ये बड़ी गाइडेंस आती है। दूसरा, ये जो नया जीवन मिला है अब तुम्हें इस नए जीवन में पता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, पहले तुम्हें नहीं पता था अब तुम्हें पता है। तो जब अब तुम्हें पता है, अब अगर तुमने कोई गलती करी, ये गाइडेंस आती है बड़ी स्ट्रॉन्ग, अब तुमने कोई गलती करी तो उसके लिए तुम्हें ना माफ़ी मिलेगी और ना ही मदद मिलेगी, तो ये भी गाइडेंस आती है। तो ये था दोस्तों मेरा रीबर्थ का जो है एक्सपीरियंस, और दैट्स इट, इसी को मैं शेयर करना चाहती थी काफ़ी दिनों से आपके साथ। आप लोग भी इस जर्नी में हो, जिसने इस तरीके के एक्सपीरियंस किया होगा उसको मेरी बात समझ आ रही होगी। अभी जो लोग आप 4D में हो, अपना शुद्धिकरण करके जब आप आगे बढ़ जाओगे, जब अपने नए जीवन को आप अनुभव करोगे, तो आप ये वीडियो जो आज मैं बता रही हूँ, आप एग्जैक्टली यही चीज़ें उस वक्त महसूस करोगे। तब आपको याद आएगा कि अरे मैम ने यही चीज़ें बताई थी, यही तो अनुभव हो रहा है, ठीक है। तो जीवन वही है, पर जीवन अब एक तरीके से जिया जा रहा है, मानो अब इस जीवन रूपी गेम के जो है रूल रेगुलेशंस पता है, अपनी बाउंड्रीज पता है, अपने कर्म पता है, अपने कर्तव्य पता है, और सबसे अच्छी बात है कि एक स्पिरिचुअल बेस है, ठीक है, एक सुंदर आधार है। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।